सवाल निम्नलिखित में से किसे भारतीय परमाणुवाद का संस्थापक कहा जाता है? ए. महर्षि कपिल, बी. महर्षि गौतम, सी. महर्षि कर्णाद, द. महर्षि पतंजलि। सही उत्तर है सी. महर्षि कर्णाद। सवपुलकेशिन आय का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 में दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित किया जाना था तो वर्ष होगा ए 601, बी 300, सी 330, डी 407। सही उत्तर है ए 601। सवाल एक चालुक्य शिलालेख शक युग के वर्ष 556 में दिनांकित है। ये के बराबर है ए 478 एडी, बी 499 एडी, सी 613 एडी, डी 634 एडी। सही उत्तर है डी 634 एडी। सवाल पुराणों के अनुसार चंद्रवंश के शासक का प्रधान स्थान था ए काशी, बी अयोध्या, सी प्रतिष्ठानपुर, द श्रावस्ती। सही उत्तर है सी प्रतिष्ठानपुर। सवाल मौखरी की राजधानी थी ए थानेश्वर, ब कन्नौज, सी पुरुषपुर, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ब कन्नौज। सवाल हर्ष के समय की जानकारी किसकी पुस्तकों में निहित है ए हरिसेना, बी कलहन, सी कालिदास, द इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी कलहन। सवाल हर्षचरित किसने लिखा है ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, द परिमलगुप्त। सही उत्तर है बी बाणभट्ट। सवाल हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी प्रयाग, डी थानेश्वर। सही उत्तर है ए कन्नौज। सवाल सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित की थी ए प्रयाग, बी दिल्ली, ग कन्नौज, द राजगृह। सही उत्तर है ग कन्नौज। सवाल हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था ए कन्नौज और प्रयाग, बी प्रयाग और थानेश्वर, सी थानेश्वर और वल्लभी, डी वल्लभी और प्रयाग। सही उत्तर है ए कन्नौज और प्रयाग।